Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about result of Punjab University BA class. आज हम BA का result discuss करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के students के लिए. जैसे बड़े सारे students के मेरे पास comment आ रहे थे, उसमें वो यही पूछ रहे थे कि हमने further classes के लिए BA का result चाहिए लगाने के लिए, हमने अभी तक result awaited कर रखा था. अब आप शो कर सकते हो कि आपका BA का result आ गया है. जो मैं आपको information दे रही हूँ वो आपकी official website है पंजाब यूनिवर्सिटी की. आप गूगल पे लिखोगे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का शो हो जाएगा आपको रिजल्ट का पेज. जैसे आप रिजल्ट का पेज ओपन करोगे तो आपको ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये आइकन जो है वो बना रखे हैं. आप वहाँ से फर्दर इंफॉर्मेशन देखो ले सकते हो. अब आपने मई में दिया था रिजल्ट तो आपने मई पे क्लिक कर लेना है. ये आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी देखना ज़रूरी है, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे उनके लिए भी, और जो सिक्स सेमेस्टर के जिन्होंने रिजल्ट दिया वो तो थोड़े फैमिलियर है ही पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से. देखो अब मई में जो आपके जिन जिन के आपने एग्ज़ाम दिए थे उन कौन कौन सी क्लासेस के रिजल्ट आ चुके हैं. आज जो मोस्ट फेमस क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, इट्स अ बैचलर ऑफ आर्ट्स सिक्स सेमेस्टर, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट हमेशा रहता है ये. फाइनल सेमेस्टर का 3 साल आपने जिस चीज़ के लिए लगाए हैं, आपका रिजल्ट आ गया, आप डिग्री होल्डर हो, आपने डिग्री पास कर ली है 3 साल वाली जिसके लिए आपने एडमिशन लिया था. अब आपको देखना है आपकी परसेंटेज कितनी आई है, कैसे आया आगे एडमिशन फर्दर लेने के लिए. कई स्टूडेंट्स एमए करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी, म्यूज़िक, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट में. कई स्टूडेंट्स जो है आइल्स वगैरह का एग्ज़ाम दे के कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ जाना चाह रहे हैं. तो आपके पास एक रिज़ल्ट होना चाहिए था, वो आपका रिज़ल्ट आ चुका है. आपने इस पर क्लिक कर लेना है बैचलर ऑफ आर्ट्स सिक्स सेमेस्टर वाले रिजल्ट पे. जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ सेमेस्टर आप अपना फिल कर देना, सिक्स सेमेस्टर फुल सब्जेक्ट्स और रोल नंबर जैसे आप डालोगे, शो रिजल्ट करोगे, वैसे आपका जो है रिजल्ट यहाँ शो हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी थी एस सी पी अड्डा के साथ, इन 3 सालों में आपने कैसे हेल्प ली मेरे चैनल की, और बाकी आप अपने कमेंट में अपने मार्क्स जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है मुझे शेयर करना. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय.